नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। नाबार्ड का जो डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले कट ऑफ क्या होगा जो स्टेट वाइज हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद प्री का रिजल्ट कब आ सकता है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया और मेंस एग्जाम कब होगा, ये चारों टॉपिक्स पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि प्री का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों प्री का रिजल्ट जब मैंने कॉल किया था, एक दो चार दिन पहले भी कॉल किया था कि और एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि नाबार्ड की प्रोसीजर बहुत फास्ट होती है, लेकिन बीच में थोड़ी दिवाली आने की वजह से ये रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन दिस वीक ये कन्फर्म है कि ये रिजल्ट आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो इवनिंग और फ्राइडे इवनिंग तक तो आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा। क्योंकि एक सिनेरियो आपको बताता हूँ यहाँ पे, नाबार्ड हमेशा तभी रिजल्ट डिक्लेयर करता है दोस्तों जब भी उसकी मेंस एग्जाम की डेट उसकी फिक्स हो गई हो। क्योंकि क्या है ना, लास्ट दो साल का ट्रेंड देखा है ना, जब भी उनके पास डेट्स अवेलेबल होती है ना तभी वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। यदि उनकी डेट्स अभी तक फाइनलाइज हो गई होगी मेंस की तो डेफिनेटली वो रिलीज कर देंगे रिजल्ट और उसी के साथ साथ वो नोटिफिकेशन दे देंगे कि इस दिन मेंस एग्जाम होगा। और मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट डिक्लेयर करने के विद इन 15 टू 20 डेज में ये इसका मेंस एग्जाम हो जाता है। अभी तक तो वही प्रोसीजर फॉलो। यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस वीक इसका मेंस एग्जाम प्रिलिमिनरी रिजल्ट आ जाएगा, सो यदि 7 नवंबर या 8 नवंबर तक इसका प्रिलिमिनरी रिजल्ट आ जाता है तो हमें एंड वीक मतलब 24-25 नवंबर के अराउंड हमें ये देखने को मिल सकता है इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम मेंस एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस बहुत है। लेकिन हमेशा ये क्या है ना कि ये एग्जाम सैटरडे संडे को ही कंडक्ट कराता है नाबार्ड और डे पे नहीं कराता है। लेकिन इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यदि सेकंड सिनेरियो में बात करते हैं, यदि रिजल्ट डिले होता है क्योंकि मेंस की एग्जाम यदि अवेलेबल नहीं होती है उनके पास, मेंस के लिए डेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि 30 नवंबर ऑलरेडी IBPSPO है, 1 दिसंबर 2 दिसंबर ESICUDCS स्किल टेस्ट और नाबार्ड RBI ग्रेड बी के मेंस एग्जाम्स है, तो उसके बाद फिर डायरेक्टली क्लर्क का नेक्स्ट 7 एंड 8 दिसंबर को, तो बहुत सारा डिले हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली इतना डिले नहीं होगा क्योंकि यदि 24-25 नवंबर के अराउंड एग्जाम नहीं होता है मेंस एग्जाम तो वो बहुत डिले हो जाएगा ज़्यादा। इसीलिए वो मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि 24-25 नवंबर को ही एग्जाम होगा। यदि इस दिन एग्जाम नहीं होता है तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो किस दिन एग्जाम कंडक्ट करेंगे क्योंकि डेट्स ही अवेलेबल नहीं दिसंबर मंथ में। डायरेक्टली 22 दिसंबर के अराउंड भी डेट्स अवेलेबल है, उसके पहले डेट्स IBPS क्लर्क्स के लिए ऑलरेडी लाइनअप है, मतलब IBPS क्लर्क का एग्जाम ऑलरेडी लाइनअप है। दोस्तों अब ये हो गया प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा या क्या आएगा। अब देखते हैं कि जो वैकेंसीज थी ना दोस्तों, वैकेंसीज यहाँ पे और एक्सपेक्टेड, उसके साथ साथ हम कट ऑफ भी देख लेंगे। अब आप सभी को पता है कि जब यहाँ पे मैं वैकेंसीज भी बताते जाऊँगा और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताते जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसीज है, एक UR का है एक OBC का है। सो दोनों के लिए मेरे एक्सपेक्टेड सेम कट ऑफ है कि 76-77 के अराउंड आपको यहाँ पे ओपन के लिए कट ऑफ देखने को मिल सकता है फॉर आंध्र प्रदेश। उसके बाद यदि अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो उसका कट ऑफ भी हमें नियर अबाउट 76-77 के अराउंड देखने को मिल सकता है। बिहार का यदि 2 वैकेंसीज सिर्फ टोटल UR के लिए है तो वहाँ पे हमें 78 के अप्रॉक्स यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए 3 वैकेंसीज UR के लिए है, तो छत्तीसगढ़ के लिए 3 वैकेंसीज UR के, फिर भी हमें वहाँ पे कट ऑफ 76-77 के अराउंड फॉर UR को देखने को मिल सकता है। फॉर SC की बात करें तो हमें छत्तीसगढ़ के लिए SC का कट ऑफ अराउंड 75 के अराउंड देखने को मिल सकता है फॉर छत्तीसगढ़ 75 के अराउंड, एंड ST का कट ऑफ हमें वहाँ पे 70 के अराउंड देखने को मिल सकता है। उसके बाद गुजरात की बात करेंगे दोस्तों, गुजरात में टोटल 4 वैकेंसीज है, तो 2 वैकेंसीज हमें यहाँ पे UR के लिए देखने को मिलती है। यदि गुजरात की बात करेंगे तो UR का कट ऑफ हमें फॉर ओपन के लिए 77-78 के अराउंड देखने को मिलेगा। फॉर OBC के लिए स्लाइटली लेस होगा, 74-75 के अराउंड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है फॉर गुजरात। उसके बाद यदि हरियाणा की बात करेंगे, टोटल 4 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज UR की, तो यहाँ पे 76-77 के अराउंड हमें UR का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, UR का एक वैकेंसी है और SC का एक है, तो UR के लिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 77-78 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल सकता है और SC का 75-77। इसके बाद बात आती है दोस्तों जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में UR का कट ऑफ 2 वैकेंसीज होने के कारण हमें यहाँ पे 74-75 के अराउंड देखने को मिल सकता है और ST का कट ऑफ हमें यदि देखने को मिल सकता है, यदि JNK की बात करें तो 70-71 के अराउंड फॉर ST इन जम्मू कश्मीर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों झारखंड की, झारखंड में टोटल 4 वैकेंसीज है, उसमें से 2 UR की वैकेंसीज है, 1 SC की है और 1 ST की है। तो यहाँ पे यदि UR की बात करें झारखंड में, तो झारखंड में यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 75-76 फॉर UR, फॉर SC 74-75 किसमें, झारखंड में, और
एसटी के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड के लिए 68 to 70 कट ऑफ यहाँ पे हमें एसटी के लिए झारखंड में देखने को मिल सकता है। उसके बाद कर्नाटक की बात करेंगे दोस्तों, कर्नाटक में टोटल 2 वैकेंसीज है, उसमें से एक यूआर का है, तो यूआर का कट ऑफ हमें यहाँ पे 77 to 78 के अराउंड कर्नाटक में देखने को मिल सकता है, और ओबीसी के लिए भी 76 और 77 के अराउंड फॉर कर्नाटका। उसके बाद दोस्तों बात आती है केरला की, केरला का एक ही वैकेंसी यूआर की, तो यही कट ऑफ हमें देखने को मिल सकता है 77 to 78 के अराउंड। उसके बाद बात आती है दोस्तों मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 3 वैकेंसीज फॉर यूआर है, तो एमपी के लिए हमें 76 to 77 कट ऑफ यूआर के लिए देखने को मिल सकता है, फॉर एससी के लिए 75 to 76 फॉर एससी इन मध्य प्रदेश, एंड यहाँ पे हमें एसटी के लिए भी एक एसटी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे है, तो वो 72 to 73 के अराउंड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में। अब जो बिगर स्टेट है दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में यूआर का कट ऑफ है वैकेंसीज 11 वैकेंसीज यूआर की है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र कट ऑफ हमें यूआर का 74 to 75 के अराउंड देखने को मिल सकता है। फॉर ओबीसी यहाँ पे हमें कट ऑफ देखने को मिल सकता है 72 to 73 फॉर ओबीसी, ओबीसी के लिए ये यूआर के लिए कट ऑफ देखने को मिल सकता है। फॉर एससी के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 72 to 73, फॉर एसटी के लिए हमें यहाँ पे 68 to 70 कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र के लिए देखने को मिल सकता है। दोस्तों लास्ट डे से थोड़ा स्लाइटली कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा कम है, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन जो 40 मार्क का लास्ट ईयर का ईजी आया था, वो इस बार थोड़ा स्लाइटली चैलेंजिंग लेवल का आया था, इसलिए ये कट ऑफ स्लाइटली थोड़ा हम यहाँ पे कम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यदि बात करते हैं मणिपुर, मेघालय, ये दोनों स्टेट्स के लिए ओपन का भी वैकेंसी 77 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है, न्यू दिल्ली के लिए 78 के अराउंड, क्योंकि एक ही वैकेंसी यूआर के लिए। उड़ीसा का कट ऑफ दोस्तों आपको 2 वैकेंसी यूआर के लिए, वहाँ पे भी हमें 77 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिल सकता है फॉर यूआर। एससी के लिए हमें यहाँ पे एक ही वैकेंसी, तो एससी के लिए हमें यहाँ पे उड़ीसा में 73 to 75 के अराउंड देखने को मिल सकता है, और एक ओबीसी की वैकेंसी, तो वो भी 73 to 75 के अराउंड ही देखने को मिल सकता है। किसके लिए? ये उड़ीसा के लिए। इसके बाद दोस्तों पंजाब की बात आती है, एक वैकेंसी यूआर के लिए, जहाँ पे हमें 77 to 78 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिल सकता है फॉर यूआर पंजाब स्टेट के लिए। फॉर ये एससी के लिए है, तो एससी पे भी यहाँ पे हमें 75 to 76 के अराउंड वैकेंसी कट ऑफ देखने को मिल सकता है। राजस्थान के लिए सेम सिचुएशन है, राजस्थान में भी यहाँ पे 77 to 78 के अराउंड हमें यूआर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसीज है, तो ओबीसी के लिए भी हमें सेम कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सिक्किम के लिए एक ही वैकेंसी है, जिसमें हमें 75 के अराउंड कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु में 2 वैकेंसीज है, एक यूआर की है और एक एससी की है, तो यूआर के लिए हम तमिलनाडु में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 76 77 के अराउंड इसका कट ऑफ लग सकता है फॉर यूआर, एंड एससी का कट ऑफ यहाँ पे 73 to 74 के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है फॉर तमिलनाडु। उसके बाद तेलंगाना रीजन की बात करते हैं दोस्तों, 3 वैकेंसीज है टोटल, और 2 वैकेंसीज उसमें हमें ओपन के लिए देखने को मिलती है, तो वहाँ पे तेलंगाना में हम 77 to 78 एक्सपेक्ट करेंगे, और ओबीसी का एक वैकेंसीज है यहाँ पे तेलंगाना में, वो भी 75 to 76 के अराउंड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश दोस्तों टोटल वैकेंसी 4, जहाँ पे 3 वैकेंसीज यूआर की है, जहाँ पे हम अराउंड 78 ओपन का कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एससी का कट ऑफ अराउंड 77 हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड में टोटल वैकेंसीज 6 है, उसमें से 4 यूआर के लिए है, तो यूआर का कट ऑफ हमें यहाँ पे उत्तराखंड में 77 के अराउंड देखने को मिल सका है। एससी के लिए हमें यहाँ पे 75 के अराउंड देखने को मिल सकता है, और ओबीसी के लिए भी हमें 75 के अराउंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये ओवरऑल कट ऑफ प्रेडिक्शन था, मोस्टली कट ऑफ 77 76 इन्हीं रेंज में लाई करेगा, जहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है, स्लाइटली थोड़ा बहुत डिक्रीज हो सकता है महाराष्ट्र रीजन में। दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मुझे साइट पे कहीं भी नहीं मिला, लेकिन हमारे जो एक व्यूअर है उन्होंने हमें एक शेयर किया है, कहाँ से शेयर किया पता नहीं, उन्होंने शायद एक कहीं तो भी वो न्यूज़पेपर है, मैं कहीं ना कहीं पर देखा होगा साइट पे, मैंने साइट पे बहुत ढूंढा, मुझे साइट पे नहीं मिला, तो ये यहाँ पे दिया है उन्होंने शेयर किया, क्योंकि मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी इसलिए लगी क्योंकि ये जो फॉन्ट है नाबार्ड का ही दिख रहा है पूरा टोटली, और उसके बाद यहाँ पे जो लोगो है नाबार्ड का ही है एग्जैक्टली, और कैंडिडेट्स जितने अप्लाई किए थे ना नंबर से भी पता चल रहा था कि इतने कम लोगों ने शायद अप्लाई किया, क्योंकि नाबार्ड में ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज होती है, इसलिए नाबार्ड में अप्लाई कम होता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट वाइज कितना अप्लाई किया, आंध्र प्रदेश में देख सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया है, कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो यदि कैटेगरी की वैकेंसी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे समझो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कैटेगरी दिया है और ईडब्ल्यूएस का कहीं पे भी वैकेंसी नहीं, तो ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों ने अप्लाई किया था, लेकिन वो यूआर में कंसिडर किए जाएंगे, ओपन वाली वैकेंसीज के कंपटीशन में वो रहेंगे। सो टोटल सबसे ज़्यादा आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र रीजन में, क्योंकि वहाँ पर ही वैकेंसी ज़्यादा होती है, सो 18,000 के अराउंड वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और शॉकिंगली ये भी कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में भी 13,000 के अराउंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वैकेंसीज टोटल। किसके लिए? फॉर नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो इसकी ऑथेंटिसिटी मुझे ज़्यादा नहीं, 70 to 80%, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये शेयर कर दिया
चलो देखते हैं। अब मुझे साइट पे तो नहीं मिला, आपको मिल जाता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके तो बता दीजिएगा कहाँ पे इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।